जगद्गुरु नित्य लीला प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद कृपानुग गुरुवर्ग भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कृपानुग गुरुवर्ग समस्त चरण रे अधम अनंत कोटि प्रणाम करी हम कृपा प्रार्थना करूअछि। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी गुरु भ्राता समस्त चरण रे मोर यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। जेकि महाराज आदेश जे महाप्रसाद विषय कि महाप्रसाद विशेष महिमा महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बताम राजन विश्वास नैव जायते। ये जो भगवत वस्तु जिते प्रकार सब वस्तु अच्छा जमी साक्षात वृंदा देवी श्रीमद भागवत तुलसी गोमाता वैष्णव गुरुदेव ये सब बहुत कृपारु महाप्रसाद बहुत कृपारु दुर्लभ वस्तु आमको प्राप्ति होमती रजाघर छुआ से के गाड़ी अनुभव करें ये गाड़ीटा मो पाखे अच्छी से गाड़ी से के अनुभव करें गाड़ी गाड़ी ताक मिलगला कूलर ताक मिलगला फ्रिज ताक मिलगला फैन मिलगला भल बंगला मिलगला से के अनुभव करें से भाई भगवान कृपार आमको जो सब वस्तु मिल जाए गोटे गोटे वस्तु हिसाब कर देख बहुत बड़ दुर्लभ जो वृंदा देवी प्रकट हो जगत रे जीव को कल्याण निम्ते साक्षात ये हूँ समुद्र मंथन माँ आविर्भाव जो गंगा देवी भगवान पति तपावनी गंगा ताको आने पर जगत को सगर राजा वंश दे कपिलदेवंकर क्रोधाग्नि दग्धीभूत होते तपस्या करके जी गंगा माता को भगवान का चरणामृत को यही जगत को आने पर सगर राजा तपस्या कर लुप्त हो गले पुआ दिलीप सीए मध्य तपस्या कर चलीगले भगीरथी दुई माता ईरसू सी जन्म हो कि गंगा को प्रार्थना करके जगत को आईले जहाँकि विशेष महिमा मनुष्य जन्म दुर्लभ हरिनाम दुर्लभ साधु संग दुर्लभ विशेष रूप से गोमाता गोमाता कहना समुद्र मंथन तांकर आविर्भाव ये जो कि जो समुद्र मंथन करके चारि चारि थर भगवान को अवतार नेबा को पड़ता जेकि समुद्र मंथन रे ता भीतर जे ए जगत रे जो महाप्रसाद आसले महाप्रसाद विशेष रूप से कृपा करिया पई ए जगत को भगवान को आसले भगवान देख द्वापर जुगरे भगवान गोपी मानक पाखरु तांका पाखरु नेकी कृपा करथले लवणी खाई भगवान कृपा करथले समस्त पाखरु सिद्धर जहाँकि कहा को भगवान कहा पाखरु नेकी कृपा करती कहा को भगवान देकी कृपा करती जगत रे भगवान जगन्नाथ महाप्रभु निजर महाप्रसाद देकी जीव कल्याण निमंते बजनी कृष्ण बड़ दयामय करिवारे जुहा जय स्वप्रसाद अर्ण दिला भाई से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमी डाक चैतन्य निताय भजनी ये जुहा बड़ दुष्ट तेणुक भगवान कृपा कर भगवान बारंबार प्रसाद जुहारे ग्रहण कले भगवत मान सी इंद्रिय को दमन करी हरि भजन रे सद मार्ग से जापर तेणु विशेष रूप से जो महाप्रसाद आसापाई देख के परिश्रम द्वारा ये के तपस्या द्वारा ही जगत को महाप्रसाद आसिले महाप्रसाद वैकुंठ रे कहा को प्राप्ति हुए ना जमीती घर स्वामी उच्चिष्टता पत्नी की जो भाई कि प्राप्ति करवक को ही प्राप्ति हम तार वस्तु जहाँ कि सी भगवान सेवा करने द्वारा ब्राह्मण को जानी भगवान पुष्प छड़ा पुष्प चंदन जानी सेवक को ही प्राप्ति हम से महाप्रसाद लक्ष्मी को प्राप्ति होता
किंतु देवर्षि नारद थरे वैकुंठ को जेंदी जाइछनी माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करी कहले माँ मत भगवान को जाइ मागिले कहले भगव प्रभु मत आपण महाप्रसाद टी प्राप्ति हम अधरामृत महाप्रसाद मत प्राप्ति हम भगवान कहले देख जी मोपाई जी रोसे करुचनी सी दे पारे सी मोर सेविका सी पाखे अधिकारटा अच्छी कहीं मोर जहाँ प्रसाद पाई सारा बार उच्चिष्ट माँ लक्ष्मी ही नहीं जाती तेणुक सी ही केवल तुम ताक प्रार्थना कर नारद से जाकि माँ लक्ष्मी को जाकि प्रार्थना कले कले माँ मत भगवान प्रसाद टी प्राप्ति हम अधरामूर्त महाप्रसाद टी प्राप्ति हम भगवान माँ लक्ष्मी से कहले कहले अच्छा बड़ अपूर्व जिनस आज तुम मागिल कहीं मागि नथिले सेठ कौन कले माँ लक्ष्मी से अल्प परिमाण रे देवर्षि नारद हाथ में से महाप्रसाद को दे से महाप्रसाद नारद जमी पाई महाप्रसाद नारद नारद देहरे तो अष्ट विकार प्रेमर देखागला नयनम गल गल तो सुधारम बदनम गदगद हृदय गिरा पुलक निर्चितम बहु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य भगवान जेहेतु से महाप्रसाद पाइले हृदय आखिर अश्रु कंठ हृदय की रोमांच पंप अश्रु सब प्रकार अष्ट प्रकार विकार देवर्षि नारद देहरे देखागला उन्मात हरिनाम कर नृत्य करगवान कैलाश को आसिले एभली विकार देखी नारद को देखी भगवान देवदेव महादेव सी तो स्तवित हो गले बाबा रे देवर्षि नारद मुखर यह केवे देखी ना देवर्षि नारद हे देवर्षि नारद यह तुम कौन कौ वस्तु पाइल जे एभली उन्माद है नृत्य करुच देवर्षि नारद कहले कहले प्रभु मुझे गोटे अमूल्य वस्तु आज मत प्राप्ति है जहाँकि कई जीवन में कहीं पाई ना जहाँकि ब्रह्मा शिव को मध्य वस्तु के प्राप्ति हो नाला भगवान शिवजी कहले को वस्तु तुम प्राप्ति हल ना प्रभु मत आज महाप्रसाद आज प्राप्ति है भगवान अधरामृत जगन्नाथ अधरामृत मत आज प्राप्ति है जमी कह देवदेव महादेव सर कहे कहे हे देवर्षि नारद तुम्हें साधु है अन्याय कम केमी कल ना प्रभु कौन ना जेहेतु मो पाख को आसल महाप्रसाद तो मत टे था जेहेतु तुम वैष्णव है तुम हृदय भाई कपट भाव कौन पर रख लत भी तो टे महाप्रसाद था शिवजी जमी क्रोध कर देवर्षि नारद हाथ जोड़ी कहले प्रभु आप रागतु ना जीतु महाप्रसाद मत मिलला प्राप्ति मात्रेण भुक्त भुक्त तेनाली पाइली मात्रे मुझे पान करदे तेणुक मुत कथ जानी भाव विहोल है कि भगवान महाप्रसाद को पाइली भगवान शिवजी कहले तथा सेठ भगवान शिवजी से नारद कहले हे नारद तुम हाथ देखाओ भग देवर्षि नारद जिते हाथ देखले दक्षिण हस्तरे काणी आंगुटे गोटे मात्र निर्माल्य कणा लगी भगवान महाप्रसाद से महाप्रसाद कौन कले ना शिवजी निजे पाइले से गोटे महाप्रसाद को गोटे चाउल कणिका भगवान निर्माल्य को सी पाइक शिव देहर मध्य से भाई अष्ट प्रेम विकार देखागला शिवजी तो नृत्य करने को लगले जे पूरा जन सृष्टि प्रलय हो जाए नृत्य करने को लगले ये दुई जन वैष्णव दुई जन साधु यह नृत्य करुचन पार्वती पूरा स्थगित हो गले कह समय मुझे कहेबी ताहले मोर अपराध हम तेणुक पार्वती रही अपेक्षा कले जी आंकर जितने भाव जितने शिथिल हम से मुझे पचार कौ वस्तु एमती कि अमूल्य वस्तु दुर्लभ वस्तु कौ दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्ति है जे ये सी नृत्य करने को लगिले आखिर अश्रु रोमांच सब प्रकार अष्ट विकार प्रेम देखिकी पार्वती मध्य स्थगित हो रे यही देखिकी किसी समय पर भगवान नारद शिवजी जिते भाव जिते शिथिल है देवशि माँ पार्वती सेठ पचारे स्वामी तुम्हें यह नृत्य तो केवे कर देखनी
तेणु तुम आप आज कौ वस्तु प्राप्ति कले जे ये जे उन्माद नृत्य कर हे देवी पार्वती आज मत अमूल्य रु अमूल्य वस्तु मत आज प्राप्ति है ना कौन प्रभु ना मत आज महाप्रसाद मत आज प्राप्ति है ना महाप्रसाद ना हाँ जो महाप्रसाद जगन्नाथ उच्चिष्ट अधरामृत मत आज प्राप्ति है देवर्षि माँ पार्वती कहले कहे मु तुम अर्धाग्नि तेणुक मत न दे कि तुम केमी से महाप्रसाद को तुम ग्रहण कल मत जहाँ भी हम तुम धर्मपत्नी मत अधा देवार तुम कर्तव्य अर्धा मत देवार तुम कर्तव्य मत नदे कौन पर तेणुक मत देवार तुम न देवर शिवजी कहले कहले तुम हूँ स्वभावे नारी तेणुक मुहेतु नारी बोली मु तुमको महाप्रसाद महिमा तुम जेहेतु जानवनी तेणुक मु महाप्रसाद आउ देली पाइली मान मुझे पान करदेली ग्रहण करदेली तेणुक मुली जेहेतु एक कथा कहले तुम्हें नारी बोली तुमको प्राप्ति हेनी माँ पार्वती से तो पूरा रागवाक लगे कहले भगवान का वस्तु प्रत्येक वस्तु निर्गुण जमीक ये साधु साधु हूँ जेहतु भगवत वस्तु साधु निर्गुण ये किए अजाति लोक आसो साधु महात्मा महाराज कहे ना मुझ तुम हरिकथ कहबी जड़े पठाण आसो जवन आसो ताकू कह हरिकथ कहबी जड़े नारी आसो सी मुझ हरिकथ कहबी सुखदेव गोस्वामी तो समस्त यदि ज्ञानी योगी कर्मी जिते सब लोक बसते समस्त को भागवत कथा शुणले से भाई तुसी निर्माल्य भगवान का प्रसाद चरणामृत ये निर्गुण वस्तु समस्त को ये कृपा करी तेणुक तुम्हें जेहेतु मत नारी बोली कह कि धिकार मान तुच्छ घोषणा करुच तेणु यही महाप्रसाद मुझ जगत यह विख्यात करी जे जगत जानवे जगन्नाथ महाप्रसाद कौन तार महात्म विशेष रूप से जाकि माँ पार्वती जाकि तपस्या करने को लगिले बहु वर्ष तपस्या कर भगवान जगन्नाथ तक तपस्या संतुष्ट होसिले कहे हे देवी तुम तो कौन बर मगुच माग माँ पार्वती कहले कहे प्रभु मत गोटे वस्तु दरकार केवल आपणकर महाप्रसाद दरकार जो महाप्रसाद यही जगत विख्यात हम जहाँकि कुकुर पाखु सुगा जाए ये महाप्रसाद पाई आपणकर मुक्ति प्राप्ति करेंगे जहाँकि आपण धाम को प्राप्ति करेंगे से ये जगत में जेहेतु ये वस्तुटा गुप्त अच्छी महाप्रसाद कहा को प्राप्ति होनी केवल आपण धर्मपत्नी लक्ष्मी को प्राप्ति होती मुझे ये जीव जगत समस्त को ये महाप्रसाद प्राप्ति किंतु से महाप्रसाद मूल्य आम के बुझुचे हाँ महाप्रसाद जन को जाचला से कह पाटे पान अच्छी मुझे महाप्रसाद भाई जो महाप्रसाद माँ पार्वती निजे ये तपस्या करके ये जगत को लेकिन आसली भाई पानटा को ये मूल्यवान है महाप्रसाद मूल्यवान है जगन्नाथ मंदिर को जीवा आम कौन कौचे ना आम मंदिर जीवानी आज आमिष खाई आमिष खाई बोली जी मंदिर जापारे आमिष खाइबा कौन दरकार जेहेला आत्मार बैरी गुरु ब्राह्मण हेले मारी जे कि शास्त्र कौचन जी आम आत्मा उद्धार करने जी मझे विरोधी होनी सी गुरु हूँ बा माँ हूँ बापा हूँ जेकोसी सी हूँ ना कहीं से तेज वस्तु ये शरीर उदाहरण आत्मार कल्याण निमंत कौन जहाँ कि देख दशरथ महाराज सब क्या अधिक भल पाते तीन शह पचास राणी भितर तान जन श्रेष्ठ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी ता भर हूँ सर्वश्रेष्ठ भल पाते क्या को ना कैकेयी को भल पाते कैकेयी को अदिका भल पाते जहाँ कि राजनीतिर कथा जहाँ हम सब कैकेयी पक्ष जहाँकि राज्य भंडार सब संपत्ति चबिकाठी कैकेयी हाथ में जेहेतु सी राम विरोध हो गले से निजे दशरथ महाराज निजे कहते अल्लक्षिणी तू जा मो सामु जहाँ को ये सुंदर गेले गेले डाकुले चंद्र बदनी गज मतनी इन भले आलोचना करुले ये करुले से राम से विरोध है सी तेज कले पिता को किए त्याग कले प्रहलाद महाराज पिता को त्याग कले गुरु को किए त्याग कले गुरु को त्याग कले बलि महाराज निज गुरु को त्याग कले जेहेतु भगवान साक्षात आसुचे मत मागे मुझे देवी हरि को दान देवी सबुत तो वस्तु देवी तो क्या देवी तेणुक त्याग कले गोपी मैंने तो निजर पति मान सब त्याग कले
तापरे पत्नी पत्नी की मध्य त्याग कले पत्नी को किए त्याग कले पत्नी को किए त्याग कले ना पत्नी को हो शिवजी निजे त्याग कर दे सती जब भगवान को परीक्षा कर तेणुक विशेष रूप से महाप्रसाद विशेष महिमा तेनाली भगवान जी विरुद्ध हो तुम त्याग करवा दरकार तेणुक जो महाप्रसाद जेहतु जगत को आसिले विमला देवी साक्षात आसिकी आगुर आसिकी जो भगवान कहले कल युगे मुझे जीवि नीलाचल रही से महाप्रसाद विशेष महिमा जगत में प्रचार हे माँ पार्वती निजे आसिकी जग आसिकी आसी श्रीक्षेत्र पूरी धाम आसिकी पूरी धाम निजे आसिकी द्वार को जगिले भगवान जितने आसवे भगवान को आसिक कौन जी प्रभु आप सत्य कही आगे से सत्य मोर पूरण हम तो भगवान कहले हाँ तुम सत्य निश्चित भाव पूरण हम ये महाप्रसाद निश्चित भाव जगत में विख्यात हम कि समय पर महाप्रसाद से तो जगत तो भगवान सीना माँ पार्वती के सत्य तपस्या देदे कि पुणी के हम जगत केमती प्रचार हम महाप्रसाद विशेष महिमा तेणुक भगवान से राजा जजाति केशरी को सेठ स्वप्न आदेश देले कहले तुम्हें शुद्ध भाव में ये महाप्रसाद को तुम्हें रोषे करके मो पाखे समर्पण कर ये महाप्रसाद आगे जगन्नाथ पाखे समर्पण हेले प्रसाद जहाँकि प्रभुंर साक्षात दर्शन ताद्वारा सी हुए प्रसाद तापर भगवान माँ विमला को समर्पण है महाप्रसाद जहाँ को माँ का समर्पण होवर सी महाप्रसाद तापर अन्न्य देवादेवी जो मैंने सब देवादेवी अच्छे प्राप्ति हुए तापर जो मठ मंदिर अच्छे जहाँकि राजा मैंने राजा महाराजा मानक प्राप्ति हुए तापर अवशेष आनंद बजार को जाकि आ ब्रह्मजंडा समस्त को महाप्रसाद प्राप्ति हुए राजा जजाति केशर को जो भगवान जो स्वप्नादेश दे कहे तुम शुद्ध भाव में मोर महाप्रसाद बनाओ जगन्नाथ मंदिर में दुईटा कूप अच्छी गोटे है गंगा गोटे है जमुना सी भल भाव जमुना कूप आसिक भगवान पर अमणिया द्वारा से धुआ धुएकी भगवान रोषे निमंत खंदाशाल जाए खंदाशाल से भगवान चूली हो छा झिंका सदृश से तुली पद्मफुल आकार से झिंका ता नौटा हाँ नौटा हाँ देखो कभली अद्भुत महाप्रसाद विशेष महिमा साक्षात लक्ष्मी को द्वारा से रंधित ऊपर हाँ आड़ आगे है आस हाँ सभा पचर हे से महाप्रसाद राजा जजाति केशर को कहले राजा जजाति केशर जो ब्राह्मण मान को जा कहले कहे हे ब्राह्मण देव आप महाप्रसाद को पातु ब्राह्मण कहले से किए ना किए रोषे करें पुण से राजा आसिक जगन्नाथ को आउ थे विनती कले कह प्रभु मुझे तो जाकि सब ब्राह्मण मान को कहली आपण महाप्रसाद आगे जी ब्राह्मण पाइबे तापर अलग छोट छोट लोक पाइबे कि ब्राह्मण आगे जी महान लोक के नपाऊँ छोट लोक तो साधारण रूप पाइबे महान आ महाप्रसाद महिमा कौन रहा तेणुक राजा से भगवान से आउ थे कहले कह आउ थे जाओ से ब्राह्मण मान को वेदज्ञ ब्राह्मण चतुर्वेदी ब्राह्मण को डाक महाप्रसाद दि से महाप्रसाद पाइबे जो भाई ये द्वितीय बार जाए कहले कह भगवान स्वप्न आदेश देचनी आप आसतु महाप्रसाद पाइबे ना भगवान साक्षात तुम स्वप्न आदेश दे कथा को केवर विश्वास है विश्वास न करके कहले सब विचार कर देखिले कह भगवान आम को जब साक्षात स्वप्न आदेश करेंगे ताल आम महाप्रसाद को आम आपको पाइबू से समय जड़े गुंगा ब्राह्मण जड़े जाऊ पार्टी खोलू ना गुंगा ब्राह्मण जाऊ से ब्राह्मण मैंने तो कथा आलोचना करा भाई से ही ब्राह्मण मत देखिले कहे अच्छा जदि भगवान स्वप्न आदेश देखे सतरे परीक्षा मध्य करदे से ही समय से गुंगा ब्राह्मण को टाणी आणी कहले कह ए ब्राह्मण जदि खाई महाप्रसाद खाई सी जब बाचाड़ भाई जब हरि कथा कहे आम जानवे महाप्रसाद विशेष महिमा से गुंगा ब्राह्मण को सैडू नहीं धरिकी आणी कौन कह गोटे मात्र महाप्रसाद कणिका खोईदे से महाप्रसाद कणिका खोईकि बाचाड़ भाई से कथा कह लगिले हाँ संस्कृत श्लोक से भगवान गुण कीर्तन करने को लगिले ये महाप्रसाद विशेष महिमा द्वितीय रे किसी रखिदे बांछा कलपतर कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
प्रसाद संबंध रे प्रसाद संबंध रे कोई कौतुक प्राण श्रोता से को मान रखे छे प्रसादं जगदीशस्य अन्नपान रितं तजत् ब्रह्मवत् देवी कारक जत्था विष्णु तथा एव सः भगवान जगन्नाथ का प्रसाद हो चंदी प्रसादं जगदीशस्य चाहे अन्न हो चाहे अन्य किसी वस्तु ये सब किसी भगवान का है निर्विकार वस्तु है निर्गुण वस्तु सच्चिदानंद जेमिति विष्णु सेमिति प्रसाद दत्ता विष्णु तथा एव सः कारण आम ओडिशा देखिए प्रसाद को निर्मालय करे साक्षी रखी बंधुवान ने को पुराई ते लिखले लिस्ट लिखा प्रथम लिखले श्री महाप्रसाद ये जाने मरिया को जाते तार तार निर्मालय पानी के दिन को भी काम करे महाप्रसाद दिन नाने महिमा अच्छी असंदर तक का अपमान समझते सुनो वंदे गुरु पद नंदन भक्त वृंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदम सहोदितम श्री नंद नंदनम वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपी जन परिप्रतम वृंदावनम मनोहरम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 आज आपने चर्चा करीबा गुंडीचा मंदिर अर्चना सेवा गुंडीचा माने गुंडीचा अर्थ होची प्रिय गुंडीचा मंदिर माने भगवान का प्रिय मंदिर द्वारिका मथुरा ठाकुर वृंदावन प्रिय तनु गुंडीचा मंदिर होचे भगवान का प्रिय मंदिर जेंती राम कर मूसा को आ जाए कण गुंडीची मूसा हमर बिया कहना जगन्नाथ महाप्रभु का प्रिय यात्रा होचे गुंडीचा यात्रा कण गुंडीचा मंदिर मार्जन माने भगवान जो जगह जाए की कसीवे से मंदिर को तार पूर्वजन वैष्णव माने मार्जना करें वास्तव में चैतन्य महाप्रभु तार मार्मिक अर्थ कहले जे भगवान को गुंडीचा मंदिर माने निज हृदय मंदिर रे बसेवार कथा कारण समस्त प्रिय होची निजर कण हृदय हार्ट के यदि कहा को भलो पाती से तब निजर प्रिय हृदय को दे दिया तेणु चित्तरूपी दर्पण को मार्जन करवाटा होचे गुंडीचा मंदिर मार्जन मार्जन माने कोन मार्जन रो अर्थ होचे अर्ज धातु रे जी मार्जन अर्जुन जेंति अर्ज धातु रो अर्थ होचे सहन करिया जहाँ चित्त जेति की मात्रा रे सहन करछि सिए सेति की मात्रा रे निजर हृदय को चित्त को शोधन करछि सहिवा को
आमे तो प्रार्थना मध्ये गुरुदेव को करू देखो ना सकल सहने मन दिया कर निज माने सुहाइन हे प्रभु मुगिनी सब किछि सहन करि लै पृथ्वी देवी पूज्य इतने से सर्वम सहावल तर भजन राज्य रे सहिवा दरकार आ मार्जन करिवार अर्थ होति सहनशीलता को कहिवा तनो चित्त रूपी दर्पण रो मार्जन होति पुनेजा मंदिर मार्जन हमार हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी मानी ताहा तुम्हार हृदय पदद्वय पराह जदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी राजाणी कहते अन्य मानकर मनटा केवल मन किंतु मो मनटा होचे वृंदावन आ वृंदावन जदि आपणकर दिन जगह चरण कमल उदय करानी अर्थात आपण विराजमान करति तेबे आपणकर पूर्ण कृपा बोली जाए तनु गुंडीचा मंदिर मार्जन माने निज हृदय मंदिर को मार्जन करी सेथिरे भगवान को प्राकट्य करिवार जो प्रस्तुति पूर्व प्रस्तुति से होचि गुंडीचा मंदिर हमरा हिंदी रे कीर्तन अछि हृदय बनाम भक्त गोकुल धाम रे आके विराजे राधे श्याम रे हृदय को वृंदावन कर दिया किंतु वृंदावन के दिया वह नंदा को श्रवण कीर्तन द्वारा धीरे 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 सफा कर दी सब श्रवण कीर्तन द्वारा सफा कर श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणी विधुनोति स्तुतु सताम नष्ट त्रये स्वभद्रेषु अनेक प्रकार अभद्र अमंगल वस्तु
ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଧୂଳି ସଦୃଶ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଧୂଳିକି ସଫା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ଭାବରେ କର ଯେ ତମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଥିବା ସଂସ୍କାର ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ସବୁ କ'ଣ ହେବ, ଦୂର ହେଇଯିବ। ଧୂଳି ଧୂଳି ଓହ୍ଲାଇଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଆଉ ରହିଗଲା ସବୁ ଧୂଳି ଓହ୍ଲାଇଦେଲା ପରେ ଗୁଡ଼ି ବାହାରିଲା ସବୁ କଙ୍କଡ଼ ପଥର ସବୁ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ କରିକି। ଏଇ ପଥର ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଆଶାକୁ ପଥର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର। ଏଇ ପଥରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଫିଙ୍ଗ, କାରଣ ଭକ୍ତି ଜଗତରେ ମୁକ୍ତିର ଆଶାଟା ବଡ଼ ବିଷୟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ପୁରା ଲୀନ କରିଦେବା, ନିଜ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଆଶା, ସେଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁକ୍ତିର ଆଶାଟା ରହିଲେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ସେଥିରେ ସୁଖ ପାଇପାରିବେନି। ଆମର କହିଛନ୍ତି ନା ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ତମର ନାମ କହିଏ କହି ତବ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ବାଞ୍ଛା ମୋକ୍ଷ ଆଦି ସବ ତାର ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ବାଞ୍ଛା କୈତବ ପ୍ରଧାନ ଯାହା ହୈତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅୟନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଅଜ୍ଞାନ ତମର ନାମ ହେଉଛି କୈତବ, ଆଉ ଏଇ କୈତବଟା କ'ଣ, ଯାହା ହୈତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହୟଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ, ଏଇ ମୋକ୍ଷ ବାଞ୍ଛା ଯଦି ତମ ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଏଯାଏ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଲା ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିହାର କରିବା ସ୍ଥଳକୁ ସଫା କରିବା ମାନେ ଗୁଡ଼ି ସବୁ ବାହାରରେ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଆଶାଟାକୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେବ। କାରଣ ସେଇଟା ଯଦି ତମ ଭିତରେ ରହିଲା ମୁଁ ସାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ଶ୍ରାସ୍ତି ପାଇବି, ସାରୂପ୍ୟ ପାଇବି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେବନି। ଏବଂ କହିଲେ ଏତେ ସବୁ ସବୁ ସଫା କରିସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ, ସରୁ ଦାମୋଦର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଳସରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁନ ସରୋବରରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ, ସିଂହାସନ ଉପରେ ପୁରା ପକେଇଲେ। ପକେଇଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଦାଗ ଲାଗିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ବସିବେ ସିଂହାସନରେ ସେ ଦାଗ ସବୁ ନିଜ ଉତ୍ତରୀରେ ସଫା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନ ଭଜନ କରିଲେ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ, ଏସବୁ କର୍ମ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଫଳ ସବୁ ମୁକ୍ତି ଆଶା ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଏସବୁ ପଳେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦାଗ ରହିଯାଏ। ଦାଗ ମାନେ କ'ଣ, କୁଟିନାଟି ଜୀବ ହିଂସା ଇଏ ସବୁ ରହିଯାଏ। କୁଟିନାଟି ମାନେ କ'ଣ, ଜୀବ ଭିତରେ କପଟତା, କପଟତାଟା କ'ଣ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କପଟତା, କପଟତା ବ୍ୟକ୍ତିକି ଛିଲଛତ୍ର କପଟ ସପନେନ ଭାବା, ଛିଲଛତ୍ର କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କୁଟିନାଟି କପଟତା, ଜୀବ ହିଂସା, ଜୀବ ହିଂସା ମାନେ କ'ଣ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାରରେ କୁଣ୍ଠିତ ହେବା। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ପୁରୀରୁ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଭାବିବେ, କିଏ ଯିବ ଏଠି ବସିଲେ ଦୁଇପଟେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଗଡ଼ିଲେ ହେଲା, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ
ଯାଅ ସେଠିକି ଟିକେ ବସ, କୀର୍ତ୍ତନ କର, କଥା କୁହ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସ, ଦିନ ସାରା ଯିବ, ବସିଯିବା। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବ ହିଂସା। ଜୀବ ହିଂସା ମାନେ କ'ଣ? ଜୀବ ହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାରରେ କୁଣ୍ଠା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି? ନିଜେ ଘରେ ବସିଲେ ଆଉ ଝିଅ ରୋଷେଇ କରିଦେବ, ବସିବା ଆରାମରେ ଛାଣଛୁଣି କରିକି, ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ମୌସୁମୀର ଆସିଛି, ଆଉ ବସିକି ଖିଆପିଆ ଟିକେ କରିବା। ଏଇ ଆଉ କିଏ ଯିବ ସେଠିକି? ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ସେଠିକି ଯାଅ। ଜୀବ ହିଂସା ଇଏ ନିଜ ଆତ୍ମାର ହତ୍ୟା କରିବା କଥା। ତେଣୁ କରି ଜୀବ ହିଂସା କୁଟି ନାଟି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଶା ଏସବୁ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତିନି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଶାଟା କ'ଣ? ଯେ କିଛି ଦିନ ଭଜନ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ଦେଖିକି, କଥା ଶୁଣିକି, କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହା ବାହା ଦେବେ, ଭଲ ଫୁଲମାଳ ଆଣିଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଲ କି ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଭଲ କପଡ଼ା ଦାନ କରିବେ, ସବୁକିଛି କରିବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ନିଜର ଭାବିକି ଅଭିମାନ ଯଦି କରିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଶା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବକୁ, ସାଧକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏ ସବୁ କିଛି ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ନା? ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ କ୍ଷୋଭିତ ହେବନି, ଚିତ୍ତ କ୍ଷୋଭିତ ହେବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବୁଝିବ। ଯେମିତି ଘିଅଟା ଲହୁଣଟା ମାରିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ବସାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଭଟ 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 ଟିକେ ହେବ, ଚେମ୍ ଭଡ଼ 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 ହେବ, ଫଟ 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 ପଟ 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 ପଟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସବୁ ମରିଯିବ ମଇଳା ସବୁ, ତାପରେ ଆଉ ଘିଅଟା କିଛି ହେବ କି ପଟପଟ ହେବ? ଆଉ ହେବନି। ସେମିତି ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳମସ ଥିବ, ମଇଳା ଥିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ବିକାର ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ମଇଳା ଖତମ, ସେଦିନ କ'ଣ ହେବ? ବିକାର ମଧ୍ୟ ଖତମ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନର ବିଶେଷ ମାର୍ମିକ ରହସ୍ୟ। ଆମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ବୁଝିଲେ, ଆଉ ତେବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆରତୀ ହେବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି ଜୟ, ହରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କି ଜୟ, ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆରତୀ ହେବ।